केरल पांड्या स्टोर में रावी और शिवा के बीच में भयंकर फाइट हो चुकी है मंदिर में सब लोगों के सामने, और शिवा उस पर ये इल्ज़ाम लगा देता है कि तेरे मन में तो लड्डू फूट रहे हैं ना, क्योंकि वो लड़के तो तुम पर फिदा हैं, तो क्यों नहीं मेरे साथ क्यों आई, तुम उन्नीसी के साथ चली जाना। और यहाँ पर शिवा की ये बात सुनकर रावी बहुत ज़ोरदार थप्पड़ मार देती है। तो दूसरी तरफ सभी घर वाले उन दोनों का इंतज़ार ही कर रहे होते हैं, नाश्ता पानी कर रहे होते हैं कि काफ़ी टायर्ड हो जाते हैं, और सभी लोग इनके बारे में बात कर रहे होते हैं कि अब तो इन दोनों के बीच में काफ़ी कुछ सही हो रहा है। तो यहाँ पर सुमन भी खुश हो जाती है कि चलो ठीक है, और वो कहती है कि अब जल्दी ही पहले धरा की गोद भराई होगी, फिर उसके बाद में ऋषिता की, और उसके बाद में रावी का भी नंबर आएगा, तो हम मुझे तो बहुत सारे पोते पोते चाहिए। तो वहीं पर ये सब लोग उनके बारे में प्यार की बातें कर रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ इन दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा होता है और रावी जोरदार थप्पड़ मार देती है शिवा को। शिवा इस गुस्से में अपनी उस बाइक पर, जहाँ पर शिवा और रावी दोनों बैठने वाले होते हैं, उसी को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बहुत भयंकर बारिश होती है और वो आग बुझ जाती है। रावी और शिवा दोनों ही अलग अलग राहों पर चल लेते हैं, और शिवा को भी काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है उन लड़कों की बातों पर और उसके साथ में जिस तरह से पल बिताया है उसने, और वहीं रावी को भी बहुत बुरा लग रहा होता है कि शिवा ने उसके साथ कितने इल्ज़ाम लगाए हैं, और उसे अब उसे शिवा ने भी कह दिया है कि अब ये रिश्ता खत्म मेरी तरफ से, तू मेरी तरफ से आ जा दे और ये रिश्ता भी खत्म। ये सुनकर काफ़ी गुस्सा रावी को बहुत बुरा लग रहा होता है, और उसने उसको थप्पड़ मारा इस बात का भी बहुत बुरा लग रहा होता है, और वो अपने आप को ही थप्पड़ मारती दिखती है और सड़क पर बैठकर बुरी तरह से रो रही थी। और शिवा का भी यही हाल होता है, दोनों एक दूसरे के इतना प्यार करते हैं लेकिन एक दूसरे की बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, यही उलझन इन दोनों के बीच में चल रही है। तो घर पहुंचकर इन दोनों का फिर से हंगामा शुरू हो जाता है, और सुमन कह देती है कि तुम दोनों साथ नहीं रहना चाहते और नहीं रह पा रहे हो तो अलग हो जाओ। सुमन को सब घर वाले कहते हैं कि तुम्हें इन रोकना चाहिए, लेकिन वो रोकने को तैयार नहीं, क्योंकि उसे पता है कि इन दोनों को प्यार तो बहुत है, एक दूसरे की केयर तो बहुत करते हैं, लेकिन अब यहाँ पर इन दोनों का अलग हो जाना ही सही है, क्योंकि अगर दूर रहेंगे तभी इन लोगों को समझ आएगा कि आखिर प्यार क्या होता है। एक दूसरे की अहमियत समझाने के लिए सुमन उसे नहीं रोकती और उसे जाने देती है, और रावी अब घर छोड़कर चली जाएगी। तो दूसरी तरफ शिवा का बुरा हाल होने वाला है, रावी को घर में नहीं पाकर, तो दूसरी तरफ रावी भी शिवा को मिस करते दिखी, और वो वक्त भी जल्द आएगा जब ये दोनों एक दूसरे के लिए प्यार का इजहार करेंगे।